यार मैं बता रहा हूँ, रायते में दो चमचे डालता है, इसका टेस्ट अगर तुम बता रहा हूँ, मजा लेता हूँ इसका। मैंने इसमें सिर्फ सलाद और रायता डाला है, खाऊंगा उसमें। अच्छा, किशमिश खाना है मैंने उसको एक ही बोला था। मैंने भी तो दो बोला था, मेरी बात भी सुने। तीन हो गई ना, फिर तीन हो गई तो इसमें देखो ला एक रहा है, वो बोल रहे मैं लाऊंगा एक, तो बाकी हम बारबेक्यू को यहीं पर इंजॉय कर सकते हैं। और कोई मैंने पूरा पाकिस्तानी तकरीबन देख लिया, जो बेस्ट बारबेक्यू है ना वो कराची ही है। क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक फर्स्ट क्लास। आज हमारा बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम बना हुआ है, डिसाइड ही हुआ है कि हमने खाना बाहर खाना है और कुछ नया, कुछ यूनिक सा, कुछ मजेदार सा करना है। तो रात का टाइम है, डिनर टाइम है, तो इन्जॉय करते हैं, देखते हैं कौन सा आज हमें कराची में। वैसे कराची में तो किसी भी जगह चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, एक नया शहर है, एक नई जगह है और एक मज़ेदार जगह है। स्ट्रीट फूड ही स्ट्रीट फूड है, तो हेवन है जिनको फूड लवर्स के लिए, तो ये जगह तो इन्जॉय करते हैं, देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। साथ मेरे होगा अब्दुल्ला है, अतीक है, अजीम है और नासिर भाई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बेहतरीन जज्बे से। राइट, अभी हमारा जो ना प्रोग्राम जो ना ऐसा है कि सबसे बात हो गई है, सब हम जमा होने वाले एक जगह होटल पे और अभी फिर डिसाइड करेंगे कि क्या खाना है। तो खाने में वैसे तो ये है कि कराची में हलीम है, निहारी है, बिरयानी है और फिर बारबेक्यू है। तो मेरा जो है ना वोट बारबेक्यू की तरफ रहता है, क्योंकि बारबेक्यू कराची का वन ऑफ द बेस्ट। तो अब उसको हम डिस्कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो अतीक की तरफ से है राय बड़ी हैवी सी, तो देखते हैं कैसा होगा, चलते हैं। और अतीक बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है, तो बनता है कुछ, चेक करना उसको। ठीक है, तो सब पहले जमा हो जाएं, फिर निकलते हैं उस शॉप पे, उस रेस्टोरेंट पे। पहले होगी वोटिंग, सब जमा होंगे, फिर होगी वोटिंग, फिर डिसाइड होगा कि हमने जाना किधर है। हमने जाना जो है ना वो गुलशन की तरफ है, और गुलशन में तीन चार बड़े नाम हैं, तो उसमें से एक डिसाइड कर देना कि क्या होने वाला है। लेकिन होने वाला है बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही चटखारे और मज़ेदार वाला। तो आज जो है ना कराची की सड़कों पे हमने कुछ फूड ट्राई करना है और ढूंढना है कोई यूनिक किस्म का, यूनिक वाला मज़ेदार टेस्ट। और इंशाल्लाह तारा खा के आप कहोगे कि यार बात ही मतलब जगह हमें क्या ना आप लोग बात बात से खाना खा रहे। राइट जी, अभी एक मेरे बहुत ही प्यारे छोटे से नन्हे से हमारे फॉलोअर हैं, तो उन्होंने मुझे पहचाना और उनका कहा कि जी चलें आपसे हेलो है करते हैं, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। और कितने प्यारे और कितने प्यारी स्वीट बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? आपका क्या नाम है? अबू फारिस। अबू फारिस, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। आप कौन सी क्लास में है? KG 2 में। अच्छा जी, माशाल्लाह। यह दिन त्यार मिटाने का वक्त है, चलो और निकलो फलस्तीन बचाने का वक्त है। मेरा नाम अबू फारिस है, मैं KG 2 बिलू में पढ़ता हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लब्बुशाही का मौका मिलता है उसका नाम है फलस्तीन, हमारी सरजमीन। अंजाम उसके आदमे आगाज करके देख, अंजाम उसके आदमे आगाज करके देख, भीगे पड़ों से परवाज करके देख। जनाबे सब ये बार रोजे रोशन की तरह है,
ये बात पूरी दुनिया में हर कोने में जिंदगी बसर करके नजर आते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा माशाल्लाह। आपने खाना खा लिया? अच्छा था, मज़ा आया? अच्छा, वेरी गुड माशाल्लाह। ठीक है, अब आप जाके इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और इंजॉय करें, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। अल्लाह हाफिज़। प्यारी बोटी कितनी हो जाएगी? दो बोलिए। खाने से पहले की बातें जो होती है ना वो हैं, इसके कोई जिक्र नहीं है, कोई मायने नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सबके जो दिमाग में ना सब खाना है, बस बातें कर रहे हैं। ये भी नहीं खाली की बात आ जाएगी ना पूरी, गाने इतने आ रहे हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं कि गोला कबाब, बोटी कबाब, बिहारी बोटी आ जाए। अब्दुल्ला जो है वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, उसने कोई फिक्र नहीं क्या बातें कर, ये इसको कोई फिक्र नहीं है, ये सिर्फ कबाब तरह नजर इसकी, ये और ये इस पूरी महफिल को बोर करे हुए, इतना बोर कर दिया इस महफिल को कि कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे ये क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है ना सिर्फ अपनी जिंदगी जीनी है, ये मेरा आगे काम असल। देखे 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 देखा ये देख, अब तुम्हें बात पूरी करना, हाथ नहीं चलाना। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं करना, अभी आगे हमारा नासिर भाई, अब आपने बात करते रहेगा। नहीं अब पूरा बताऊं तुम पूरा, आप तुम पूछते रहना, हद हो गई। इतना बोर, इतना बोर। ये देखो ये आ गया अब जनाब, सीख कबाब, बिहारी बोटी और गोला कबाब, ये हमारा मेन्यू आज का। और अतीक भाई की रिकमेंडेशन है ये और बेहतरीन। अभी देखते हैं खा के इंशाल्लाह कि कैसा टेस्ट है। इसका केस भी है यार, मैं बता रहा हूँ। रायते में 2 चमचे डालता है, इसका टेस्ट अगर तुम बता रहा हूँ मैं, वरना रायते में एक होता है चम्मच। नहीं, रायते में 2 चमचे डालते हैं शुरू से। कैसे, क्यों? शुरू में आया था तो यहाँ आबादी नहीं थी, अब देखो माशाल्लाह। अब्दुल्ला आ जाओ, अजीम ने कहा कि अजीम अब कर लो, पूछ लो सारी बातें। चलो जी माशाल्लाह, ये हमने मंगाए पराठे और चपाती और बिहारी बोटी, उसके बाद गोला कबाब। ये गोला कबाब ठीक है, कराची और बारबेक्यू ना हो ये कैसे हो सकता है? कराची की स्ट्रीट फूड में जो इस वक्त टॉप में है ना, वो ट्रेंड जो है वो बारबेक्यू का है। वेल इज अ मेन कोर्स, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है ना मजा लेता हूँ इसका। मैंने इसमें सिर्फ सलाद और रायता डाला, खाऊंगा उसमें। अच्छा, इसमें खाना मैंने सिर्फ इसमें सलाद रखी है। ऐसे ही करना है, ऐसे मैंने भी ऐसे ही करना है। अरे तुम समझोगे मैं इसमें लूंगा नहीं। ये कबाब की जो चटनी है ना, ये इनकी उसने कह के गया था कि ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है, ये चटनी आ गई, जोगर्ट ये रहा, सैलड भी ऐसे, सब ऐसे ही रहेगा, मैं भी इसमें ही खाऊंगा। हाँ ये कैसा है? अजीम ने वो कहा कि वो मेरा है, पक्का हो गया उसका। बादलाबाद वाली ब्रांड भी बहुत चलती है। बादलाबाद में ये तो ब्रांड, मैं तो ट्राई करूँगा पहले कैसा टेस्ट है इसका। बिस्मिल्लाह, तो बहुत गर्म है अभी। बोटी से ट्राई करो, कैसे बोटी? सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। सब ट्राई करते हैं कबाब, बोटी तो बिहारी बोटी, क्या बात है। बिस्मिल्लाह, किसकी रोटी लेके जा रहा है? भाई कैसा है? हाँ जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, मेरा मूड भी यही बन रहा था। ये अच्छा मूड भी यही बन रहा था। कबाब जरूर ट्राई करना, बहुत मज़ा आ रहा। अजीम ने इधर कर दिया, लेकिन तुम कर लेना।
मैंने कोशिश की इस तरफ लाने की, दुकान तक लेके जाएगा देख लेंगे। तो मैं ट्राई करता गोला कबाब, गोला कबाब मैंने पूरा अपनी तरफ कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिर भाई थोड़ा सा एक आध चख तो लें। गोला कबाब एवरेज है, मज़ेदार लेकिन एवरेज है एज कम्पेयर टू बिहारी और कबाब। अब इसकी बारी है। अजीम ये वही है ना अब्दुल्ला, यही काम करना है तुम्हें। अब्दुल्ला इसमें भी निकाल दो, ये भी कर दो, यही हम भी ये निकाल रहा होता, उसका टाइम जाया होता ना। 12 मिनट पीछे जाते हैं बाकी ये तो लपेट ले ना, 12-13 मिनट का नुकसान है पूरा पूरा। मैं इससे थोड़ी सी वो है ना, वेल डन है, इसको खाते हैं जरा कड़क करके। जो आवाज़ आ गई ना इसकी मज़ा आ गया। तो बोटी का ही सीन बन रहा है, तो बोटी की ही बात है सारी। राइट जी, बहुत मज़ेदार माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हमने खाना खा लिया, कबाब पराठा और गोला कबाब और सारा। और अब इसके बाद क्या हुआ, ये खाने के बाद के मंजर हैं, ये देखें दोनों लग गए, ये इस पे लगा हुआ है, ये इस पे लगा हुआ है। अब मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है, मेरे लिए क्या हुक्म है भाई, मेरे लिए क्या हुक्म है। मीठे में क्या है अपना अब्दुल्ला भाई, कैसा था, मज़ा आया माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई अपना अतीकुर रहमान साहब कैसा रहा, कबाब? मैंने पहले ही कह दिया था यार, तुम्हारे आने से पहले कह दिया था कि अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा माशाल्लाह, हमारे साथ नासिर भाई हैं आज, मैं नासिर भाई का तारुफ नहीं करा। नासिर भाई हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं, स्टेज के भी और टीवी के भी माशाल्लाह बहुत नाम, और आजकल ये टिकटॉक पे बहुत मशहूर हुए हैं, वायरल हैं। आपका शुक्रिया नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर जमाल के नाम से इनका चैनल है, आप ज़रूर सर्च करिएगा, देखिएगा। नासिर भाई थैंक यू वेरी मच, आप आए इतने ज़बरदस्त टाइम के, एक मिनट लास्ट मिनट मैंने आपको फ़ोन किया और आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। जी जी वालेकुम अस्सलाम, और डॉक्टर साहब के नाम से आपका सारी दुनिया में बड़ा माशाल्लाह नाम है, और मुझ समेत लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं आपके माशाल्लाह। डॉक्टर साहब का एक अपनी एक तो एक वैल्यू भी है, और इनका कॉन्टेंट बड़ा डिफरेंट है, देखो ना। थैंक यू वेरी मच। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया, आप बैठे हमारे साथ इन्जॉय किया, और अब आपको अच्छी सी चाय पिलाएंगे, या आप हम लस्सी पियेंगे, आप लस्सी पियेंगे, लस्सी नहीं नहीं चाय बनती है, चाय चाय लस्सी दूध पत्ती चाय चाय है भाई, चाय लस्सी तो खाना नहीं खाया इसलिए वो लस्सी के चक्कर में। नासिर भाई डाइट पे? जी जी लस्सी का वैसे बनता ही है सर, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खाना था। और ये हम आए हैं अलजन्नत दिल्ली जायका हाउस, ये है मेन गुलशन इकबाल रोड पे, बहुत मज़ेदार जायका है इसका, बहुत मज़ेदार, और आई रियली इन्जॉयड। हालत ऐसी है, गर्मी इतनी है तो बाहर बैठ के खाया, ये इन्वायरमेंट है तो जाहिर सी बात है इसमें तो ये हाल होगा, तो बहुत मज़ा आया इंशाल्लाह। सब्सक्राइब कमेंट शेयर एंड लाइक, और स्ट्रीट फूड को आपने अगर इन्जॉय करना हो, और इससे अच्छी जगह कराची से अच्छी जगह नहीं है पूरे पाकिस्तान में, दिस इज़ कन्फर्म कि स्ट्रीट फूड हो और कराची हो और ये दोस्त यार हों माशाल्लाह, जो यहाँ का फ्लेवर है ना वो पूरा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नासिर भाई चले चाय पीते हैं, ये चाय पीते हैं माशाल्लाह। चलिए अब चाय की तरफ चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? राइट जी, अब हम चल रहे हैं। अतीक भाई अल्लाह हाफिज़, बहुत मज़ा आया खाने का, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और रियली कराची में अगर रहना है तो बाकी हम बारबेक्यू को यहीं पर इंजॉय कर सकते हैं, और कोई मैंने पूरा पाकिस्तानी तकरीबन देख लिया, जो बेस्ट बारबेक्यू है ना वो कराची ही है। क्या कहते हैं आप? यार बात ये है कि एटमॉस्फेयर है, फिर गैदरिंग है, और गैदरिंग भी वो जो सालों से साथ हैं, गैप से मिलते हैं, मज़ा बात है, फूड अच्छा हो, स्पाइसी हो, नॉर्मल हो, बहुत मज़ा, बहुत मज़ा, मज़ा आ गया। थैंक यू, वेलकम। ठीक है जी, ये तो थी बात आज की, और चाय यहाँ है नहीं,